हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, ओके। एंड अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक मार्केट से ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें काफ़ी सारे शेयर से रिलेटेड बातें करी है मैंने, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। कल की डेट में काफ़ी सारे यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, उनके रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, एज वेल एज एक वीडियो और बनाई थी यहाँ पर कोड रेड के नाम से, मतलब 83% रीलिस्ट होता हुआ शेयर नज़र आया था। और मैंने आपको कल बताया था ऑपरेटर का जाल है और कुछ नहीं, और आज की डेट में देखिए वो लोअर सर्किट में दोबारा शुरू हो गया। तो ऐसे स्टॉक में नहीं बनना होता, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए भी। और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, ओके, यहां पर आपको अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है या क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एल्काइल एमाइंस की। एल्काइल एमाइंस की बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर बात करें 4 से 5 दिन के अंदर जिस तरीके से भागा है, ओके, उस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप शेयर खरीद लेते हैं और टॉप लेवल पर खरीद लेते हैं, शेयर भागते रहता है, आप सोचते हो कि इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि आप एक ट्रैप की तरह फंस जाते हो। देखिए, अच्छे शेयर में आप अगर फंस जाते हो तो एक ना एक दिन आप उससे रिकवर कर लोगे, बट अगर आप ऐसे किसी भी ऐरे गहरे शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे, और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एल्काइल एमाइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किसी भी बेकार से शेयर में आप फंस गए ऊपर के लेवल पर, तो आपको फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो देखिए मैं आपको लिए बनाने जा रहा हूं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। जो अभी बात कही है वो इस शेयर के लिए नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेट करता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए, वन डे आज के दिन 20% का अपर सर्किट, वन वीक की बात करें तो 41% के रिटर्न आपको वन वीक में दिया है, वन मंथ में 50%, थ्री मंथ में 72, सिक्स मंथ में 181% के, एक साल में 322% के, दो साल में 871% के, तीन साल में 1000% के, चार साल में 1500, पाँच साल में 2500 और 10 साल में 20000% तक के रिटर्न, 19500% के रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सामने। तो कंपनी किस तरीके से, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और कंपनी ऑब्वियसली बात करें तो अच्छी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्काइल एमाइंस, अगर बात करें यहाँ पर 5 डेज, तो 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, फिर 500 800 तक, यहाँ पर 5800 तक ये शेयर चल रहा था, फिर इसके बाद 41% के रिटर्न 5 डेज के अंदर अंदर इस कंपनी ने आपको 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक देते हुए नज़र आई है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ओके, तो अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, तो एक रीज़न यहाँ पर सामने नज़र आता है, और क्या रीज़न है, तो देखिए स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, बहुत स्प्लिट के लिए तो ऑलरेडी कंपनी ने कह दिया था कि वी आर गोइंग टू स्प्लिट, ओके, तभी शेयर 4800। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक महीने का चार्ट पैटर्न ले लेते हैं, एक महीने का भी नहीं उससे पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पर स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, और जैसे स्प्लिट की न्यूज़ आई थी शेयर अच्छा खासा देखिए 3000 से अच्छा खासा भागता हुआ नज़र आया था, और यहाँ पर इस लेवल पर आके रुक गया था ये। अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, ओके, और अच्छा खासा भागा था, फिर दोबारा यहाँ पर एक न्यू जैसे ही रिकॉर्ड डेट की न्यूज़ आई, और रिकॉर्ड डेट की न्यूज़ आई तो ये शेयर 41% 5 डेज के अंदर अंदर भागता हुआ नज़र आया है, देख लीजिए यहाँ पर, ओके। एल्काइल एमाइंस रैलीज 11%, ये 4-5 दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ, इन 2 डेज ऑन फिक्सिंग रिकॉर्ड डेट ऑफ फॉर स्टॉक स्प्लिट, मतलब रिकॉर्ड डेट यहाँ पर आ गई है, और रिकॉर्ड डेट क्या है देखिए, मई 12 को यहां पर रिकॉर्ड डेट आई है, ओके। रिकॉर्ड डेट से अगर आपको स्प्लिट का एंजॉय लेना है तो स्प्लिट की आपको तो स्प्लिट के लिए आपको यहां पर आप देख सकते हैं 12 मई का पे यहां पर स्प्लिट की न्यूज है। अगर मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर देख सकते हैं 12 मई की 12 मई की न्यूज़ है, जो कि वेनसडे है, तो मतलब आपको एक्स डेट से एक दिन पहले लेना पड़ेगा, मतलब 10 तारीख के लगभग आपको ये शेयर अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, अगर 10 अकाउंट तब आपको स्प्लिट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो स्प्लिट
बायबैक, बोनस, इस तरीके की न्यूज़ आती है, डिविडेंड, तो क्या हमें शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी और कुछ नहीं। मेरा कुछ कहने का मतलब नहीं है कि शेयर बेकार है या आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। सब डिविज़न ऑफ, देखिए इक्विटी शेयर का सब डिविज़न हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, फेस वैल्यू 5 का 2 के फेस वैल्यू में यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको अच्छे खासे शेयर यहाँ पर मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले पहले देख लेते हैं सबसे मैक्सिमम चार्ट। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 2007 से कंपनी चल रही थी, और अगर बात करें 2013, तो मतलब कितने साल, लगभग लगभग 6 साल कंपनी फ्लैट थी। फिर उसके बाद एक जंप लगाया था, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3-4 साल एक ही दायरे में यहाँ पर घूमती हुई नज़र आई थी, फिर थोड़ी बहुत ऊपर नज़र आई। बट अभी जो कोविड की सिचुएशन आई, कोविड की सिचुएशन ने सब कुछ चेंज कर दिया, और ये शेयर की किस्मत चेंज कर दी है। 1400 के आसपास का शेयर हुआ करता था, और ये कितने, लगभग 7000% के रिटर्न आपको आज की डेट में देता हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी 480% के रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग कितना, 6733 रुपये यहाँ पर बढ़ता हुआ, ज़्यादा जंप लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे शेयर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर केवल कोविड की वजह से ये शेयर भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, इस क्रीट का फायदा जिस जिसको हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आपको जब शेयर टॉप पर भाग रहा होता है ना, तो आपको या तो रैली पहले कैच कर लेनी चाहिए। अगर रैली पहले कैच नहीं कर पाते ना, तो क्या रहता है कि मोस्टली होता है कि यहाँ पर ना ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो आपका क्या होगा कि आप यहाँ पर टॉप पे लेके रख लेंगे, और कल की डेट में ये शेयर फिर गिर जाएगा, तो आप वहाँ पर ऊपर के लेवल पर फंस जाएंगे। अगर न्यू आप होल्डर हो, न्यू आप मार्केट में आए हो, न्यू आपने यहाँ पर ये शेयर खरीदा, बट आपका शेयर की प्राइस आपने पहले ही कम प्राइस पर लिया है, तब आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आता है। तो आप इस तरीके से ना फंसे, ओके, तो इस तरीके से ना फंसे, इसलिए ही ये वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ। बट अगर बात करते इस कंपनी की, क्या इसमें हम फंस सकते हैं या नहीं फंस सकते, तो इससे रिलेटेड यहां पर बातें कर ले। देखिए 4 मई 2020 को 1661 रुपए का शेयर था, 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं तो 8100 रुपए, जो कि आज की डेट में ही यहां पर 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आया है। 1,02,000 शेयर यहां पर, 1,2800 शेयर यहां पर डिलीवरी बेसिस पर उठाते हुए हमें नजर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट 12 मई की रिकॉर्ड डेट है। ओके, आपको शेयर यहाँ पर 2 दिन पहले आपको खरीदना पड़ेगा। स्प्लिट की न्यूज़ आप देख सकते हैं 11 मई को यहाँ पर एग्जिट है। ओके, तो मैं आपको 10 तारीख को यहाँ पर ये शेयर आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नज़र आती है। 2020 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में स्प्लिट एज वेल एज यहाँ पर डिविडेंड 2 बार देती हुई नज़र आई है। प्लेजिंग की बात करें, कोई प्लेजिंग नहीं है, और 75% के शेयर, 74.13% के शेयर यहाँ पर कंपनी के पास नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं मार्केट कैप, लगभग मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी देखिए गिरती है तो अच्छी खासी गिरती है, और भागती है तो भी बहुत तेज भागती है, और इसमें तो कंसोलिडेशन फेज आपको पता ही है किस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ ये शेयर नजर आता है। 41% की ROC है, काफी बेहतरीन है। ओके, रिटर्न ऑन अगर 10 साल की बात करें, रिटर्न लगभग लगभग 66% तक के से यहां पर रिटर्न देता हुआ ये कंपनी नजर आ रही है, तो ये भी सब अच्छी बात है। ROE भी सब काफी अच्छी बात है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, 3285 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, बट शेयर कहाँ चल रहा है, शेयर चल रहा है आज की डेट में लगभग 8000 के आसपास। ओके, तो कंपनी करती क्या है एक बार इसके बारे में आप डेफिनेटली जान लीजिएगा, बट इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो सेल्स की बात करते हैं 2018 से दिसंबर 2020 की, तो देखिए कंसिस्टेंसी नज़र आती है। ओके, यहाँ पर बीच में मतलब ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आता है, या फिर कंसोलिडेशन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन। बाकी इस बार के क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो 123 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें, 23 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 84 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। अगर ईयरली बेस पे बात करते हैं तो 197 करोड़ की कंपनी आज के डेट में 1000 करोड़ की कंपनी में चेंज हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ का प्रॉफिट 363 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट 252 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा रही है अपने प्रॉफिट में, कंसिस्टेंसी दिखा रही है यहाँ पर अपने रेवेन्यू में, जो कि बढ़ते हुए हमेशा साफ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके की कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो नो डाउट आपका पैसा बढ़ता हुआ नज़र आता है, जो कि आप अभी देख भी रहे, और जो पुराने शेयर होल्डर है उन्हें इसका मज़ा भी आ रहा होगा। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे 624 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ओके, बोरिंग की बात करें, बोरिंग कंटिन्यूसली कम होती हुई नज़र आ रही है, 35 करोड़ के पास बोरिंग है, जो कि सितंबर के टाइम की है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी का कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्ट नहीं कर रखा, बट कैश की बात करें तो 87 करोड़ का कैश भी है।
इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के 74.13% के शेयर हैं। FIIs की बात करें तो 0.90 उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर दिया थोड़ी बहुत। FIIs इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। DIIs की बात करें उन्होंने भी कम कर दिया, वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बात करें पब्लिक तो पब्लिक मतलब 22.98% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की है। ओके पब्लिक में देखिए HNIs बहुत सारे होंगे जो कि इस शेयर को खींचते ले जा रहे हैं। 41% के रिटर्न आपको 5 दिन के अंदर अंदर दे दिए है। बट आपसे बताने का मकसद यही है इसके चार पैटर्न को देखते हुए कि किस किस तरीके का इसने कंसोलिडेशन फेस को देखा है, तो इस को बिल्कुल भी अपने माइंड से स्किप मत कर दीजिएगा। शेयर भाग रहा है, अच्छी बात है, और भागे और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले वो हमेशा मैं यही चाहूँगा। बट स्टिल आप ऊपर के लेवल पर कभी ट्रैप ना हो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात की जाए तो मैं तो अभी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता आज के दिन में, और ये जो प्रॉफिट था या फिर कल के दिन में जब मार्केट ओपन होती तो मैं इसे एग्जिट कर लेता। क्यों? क्योंकि 85 के RSI पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये शेयर ऑलरेडी भाग चुका है। यहाँ पर एक डिप दिखा सकता है ये शेयर, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप नए इस शेयर में एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे थोड़ा टाइम दीजिए। ओके और इसे एक बार स्प्लिट हो जाने दीजिए। स्प्लिट के 2-4 दिन बाद ये शेयर और नीचे आता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाद आप इसे खरीद सकते हैं। ओके तब आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था, इसी तरीके से शेयर भागता हुआ नज़र आया था। ओके और अगर बात करें तो यहाँ लगभग 4500 रुपीज़ तक, यहाँ पर 4400 रुपीज़ तक ये शेयर भागता हुआ नज़र आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आई थी, 3400 रुपीज़ के आसपास ये शेयर आ गया था। उस टाइम आपने लिया होता, मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी कि अब लीजिए, और उसके बाद अभी ये 400, तो अच्छा खासा 12-13-15% का यहाँ पर गेन मिल रहा है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको नई पोजिशन लेनी है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए जब तक स्प्लिट हो नहीं जाता। एक बार स्प्लिट हो जाएगा उसके कुछ दिन वेट करिएगा, 2-3 दिन का वो अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के साथ कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।